अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। गाइस ये देखो, यम्मी डोसा, आलू चटनी, सांभर। अच्छे से ऐसे करो। रियली जय आ गया। पुरन को डोसा चाहिए, मतलब डोसे और मेरी ऐसी दुश्मनी थी कि मैं ऐसे उसको खुरचने से रगड़ देती थी और उसके चिथड़े पिथड़े अलग हो जाते थे, मगर कभी उसे साबित डोसा बन के नहीं निकला। और अभी तो बच्चों की प्लेट में डोसा है और मैं इतना फास्ट माशाल्लाह दे रही हूँ, बस नजर ना लग जाए, पता चला बस। और ये बनाया है लेमन वाटर डोसा के बाद, और अब आंटी करेंगे घर का काम और हम टैली से बैठ के जो है अपना लाइम वाटर इंजॉय करेंगे। बहुत ज़बरदस्त दबा के खा लिया, अब आंटी जो है वो दबा के काम करेंगे और हम अब आराम करेंगे। पूरा मज़ा आ रहा है। हाँ आंटी, ये क्या होता है? क्या बेटा? ये ना इसके जो फ्लावर के बीज होते हैं ना, इसके अंदर से अभी फूल निकलेगा। ये देखो ऐसे इसके अंदर से निकलते हैं, ये बनता है। अब देखो यहाँ ये आ गई ना, ये अब यहाँ से ये फूल निकलेंगे। तो ये ऐसे खुलता है इसका मुंह और फिर उसमें से फ्लावर निकलते हैं। दीदी वाह, दीदी व्हाट इज दिस, दीदी थक गए खेल के? हाँ। कितना थक गए हो? बॉश। रियली यू आर टायर्ड? से यस। यस जूस। यस जूस। गाइस हमने डोसे इतने ज्यादा खाए हैं, हमें सुस्ती ऐसी चढ़ी हुई है ना, मतलब बहुत ज्यादा। आंटी मोपिंग कर रहे हैं। का मतलब लेट्स स्टार्ट होता है और ऐसे टेबल को मार रहा है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। मैंने ग्लास तोड़ दे फिर देख ले, मैं लेट्स स्टार्ट शुतर लेके पीछे बजूंगी। बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है, मैं सोच रही हूँ मैं डिस्कस करूँ। मैंने आज जो डोसे बनाया है ना, एकदम ज़बरदस्त वाला है, मतलब एकदम फास्ट, इतने एकदम एक्सपर्ट जैसे बनाते हैं फर्स्ट टाइम में। मैं सोच रही हूँ मैं डोसे का बिजनेस स्टार्ट करूँ। ओह नो, करूँ? हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है टेरिस पे सो जाओ। रैन क्या कर रहे हो? और हुरैन को थोड़ा देर फ्रेश करवाने के बाद यहाँ पर से लेकर चले जाओ ना,
फिर हुरैन बहुत अच्छा एक नैप लेती है। गाइस अभी हम श्रीदेव जिंगल खेलते हैं, आपको दिखाते हैं। खेलो कौन सा जिगल जिगल, कल से बोल रहे हैं इनका, देख ही लेती हूं। जल्दी उठो फिर। तो यहीं पे होता है क्या? हां रहने जाते हैं। आंटी का पता नहीं काम कहाँ तक पहुंचा है। चलो देखते हैं आंटी क्या कर रहे हैं। चले अंदर। चलो काय का है आज हमने दुबई का, देखो ये पोनी बनाया। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी जोर हो चुकी है दा, और अब मैंने लकी के बहुत सारे पार्सल जो है आज निकालने हैं। आंटी को मैंने जाते टाइम बोला कि आप निकाल के ला के रखो, क्योंकि हमारे सर्वेंट रूम में ही जो जितने भी कपड़ों के बैग्स है, जंबो बैग्स, मैंने वहीं पे रखवा दिए थे। और अब मैं वो चार चार पाँच पाँच निकलवाती हूँ और फिर उसको सेट करती हूँ। तो आज लकी का थोड़ा बहुत काम डे टाइम में कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहीं भी अर्जेंट मीटिंग्स में जाना होता है तो उनके वेस्ट कोट, उनके ब्लेजर्स पूरे पूरे नज़र नहीं आते। तो वो सब निपटाने के बाद मुझे आज बाहर भी जाना है और आपके साथ कुछ शेयर भी करना है। धूप है बाहर जाने के बाद। ये देखो सब निकाला हुआ है मैंने आज, जो नहीं निकाला था वो भी निकाल के लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने काफी कुछ सेट कर लिया है, मतलब ये सब लगा दिए हैं और ये सारे कोट्स मैंने लगा दिए हैं। तो ब्लेजर तो लकी के ऑलमोस्ट जो है लग गए, सिर्फ ऐसे और मेरा ख्याल है 10 से 12 है जो कि अभी लगने के है। और वहां पे हुडीज अब पूरी लगने की है प्रॉपर। और यहाँ पर सारे ही शर्ट्स लग रहे हैं और हैंगर कम पड़ गए फिर से, तो इतने शर्ट्स अभी ऐसे ही रखे हुए। और यहाँ पर भी सारी डेनिम्स अलग अलग, मतलब उस दिन ये खाली था ना जब मैंने इससे पहले दिखाया था, अब ये पूरा भर गया ऊपर तक, ये पूरे सेक्शन जो है वो भर गया नीचे तक। उस दिन 3 से 4 ही थे जब मैंने फर्स्ट डे आपको उस वाले बेडरूम में था जब दिखाया था, और अभी और भी निकलते जा रहे हैं तो मैं रखते जा रही हूँ। मिरर देखो मेरा कितना गंदा हो रहा है। तो ये तो सारा कुछ क्लीन है इधर, और इधर वाले मैंने सारे क्लीन कर लिए, बट वो रह गया है, और इस वाले डोर के पीछे वाला मिरर मेरा रह गया है अभी क्लीन करने वाला, तो इनको करना है। हाँ मेरा मम्मा ही दे दो, मम्मा को, मम्मा ओपन करेंगे। तो हुरैन का पार्सल जो है मैं रिसीव हो गया है, अब देखते हैं इसमें हुरैन के लिए मम्मा ने क्या मंगवाया है। दिस इज फॉर यू, दिस सरप्राइज फॉर यू। ओके ये मेरा न्यू क्रॉकरी सेट है स्टील का, ये निकालना है। और ये एक पार्सल है, ये भी ओपन करना है। उससे पहले देखते हैं हमारे जनाब क्या कर रहे हैं। ये देखो गाइस लकी की जैकेट। सारा जमाना हसीनों का दीवाना। ये देखो ये इसमें है ना, ये ट्रंक में। ये है मिस्टर लकी खान का वॉयलेट। इतना मारूंगी बेटा, इधर देख। ये लाइट चालू करो, ये लाइट चालू करो, तुमको दिखाती है सारा जमाना ढिन चेक। क्या है ये कुड़ियों का, क्या है तेरे को डर नहीं लगता? सारा जमाना क्या, सिर्फ वाइफ का दीवाना बोलो उसके आगे। सारा जमाना बोलो उसके आगे। मेरा बोलूंगा ना, मैं जमाने का क्यों बोलूंगा, अपना बोलो फिर। देखो न्यू गॉगल है प्राणा, प्राणा रात में कौन पहनता है, बाहर मत पहन लेना। एक बार रात में पहने बोलते मन ना, ये लड़की मेरे को क्यों देख रही है, मेरे को क्यों देख रही है, याद है शिमला में। आने वाला आप सनग्लासेस उतारो, बोलते शूट यार। अब
अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। अभी और आ रहा हूँ मैं। अरे औरंगाबाद में एक सब्सक्राइबर है, उनके भाई को औरंगाबाद में कोई जॉब चाहिए, बहुत जरूरत है, कुछ पूछो ना, ट्राई करो। याद आ गया अभी एकदम समय को। ओके, हो गया रेडी? सूट का सिलेक्शन करने। इतने साउंड क्यों कर रहे? हेलो गाइस, अब पहनोगे? यहाँ से हमारी दो तीन कारें लगी है, अब कौन सी निकालूं समझ में नहीं आ रहा। शूज में कलेक्शन, गॉगल में, कपड़ों में, वॉच में, बस एक वाइफ में कलेक्शन नहीं है, एक ऑप्शन है। बात तो सही है, बाकी सब में ऑप्शन है। क्या हुआ? ये जो खड़े है ना भाई हमारी है, फिर वो उसके आगे वो ब्लैक हमारी है, उसके आगे 9000 हमारी है माशाल्लाह, और एक अभी पार्किंग में वो आ रही है। पार्किंग मिलती है दो, और गाड़ियाँ कितनी है? चार। तो फिर बोलो हमें 4 पार्किंग्स की नीड है। नहीं, नीड है। क्या हैंडसम लग रहा है यार। मैं कैसे लग रहा हूँ जरूर बताना, इस बार तो जरूर बताना, और आंख के गोले धना धन धना धन धना धन ठोक देना। अगर संजय दत्त से मिला था ना, मैं संजय दत्त की डाला था क्या वीडियो तुमने? नहीं, मैं संजय दत्त से मिला तो वो हाथ मिला रहा, अर्शद वारसी है, संजय दत्त हो गया, और कौन कौन थे, कृष्णा था, अक्षय कुमार था, सब थे। तो मैं हैंडसम लग रहा था। अरे बात कर रहा भाई, कौन सी मूवी की शूटिंग थी? वेलकम 3। बहुत सारे 3-4 फिल्म का ऑफर है, एक अर्जुन रामपाल के साथ भी फिल्म का ऑफर है, जॉनी प्रेम के साथ ऑफर है, लेकिन काम में बिजी और मेरा प्रोफेशनल नहीं है। सही, तुम चलोगी फिर? नहीं। जाओ फिर? नहीं। मैं चलूंगी भी नहीं और तुम जाओ भी नहीं। निकल रहे हैं अभी और मैं जा रही हूँ क्योंकि अल्तमा शुरैन सब भाभी के घर पे हैं और मुझे कॉल्स आ रहे हैं क्योंकि हमने बिरयानी खानी है। तो मैं बी से ए में जा रही हूँ अभी। The next day. Good morning. अल्तमाश बेटा उठ जाओ, सर आ जाएंगे। मेरी जान के बस सोई हुई है। अल्तु उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, रात में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हम आए और मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया। एंड सेकेंड चीज़ कि मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लेट नाइट बात नहीं करी। आवाज़ बहुत हो, तो सबके ही कॉमेंट्स थे मुझे कि आप लोग क्यों, मतलब नागपुर वाला अपना बंगला और इससे पहले भी जो बंगलो था उसको रिनोवेट करवाते, इतना बड़ा आपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का डिसीजन क्यों लिया? सबसे पहले तो लक्की को ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पसंद थी, फर्स्ट। सेकेंड चीज़ की बहुत बड़ा रीज़न था लकी का बिजनेस, और उससे भी बड़ा एक रीज़न है, वो है अल्तमाश का करियर। अब आप कहेंगे वो इतना छोटा है, मतलब स्टडीज़ तो नागपुर में नो डाउट काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन नागपुर में अल्तमाश के लिए ऑप्शन नहीं था कि हम उसको अनुपम खेर या एकता कपूर ऐसी एक्टिंग अकेडमी में ज्वाइन करवा सकें। वैसे मैंने आपको बताया था कि हम अल्तमाश को अनुपम खेर जो एक्टिंग अकेडमी है वहाँ पे ज्वाइन करवा रहे हैं, बट अब हमने फाइनली अल्तमाश को एकता कपूर की एक्टिंग क्लासेस में ज्वाइन किया है क्योंकि हमें अनुपम का थोड़ा सा ना वो AAC जो एक्टिंग अकेडमी है वहाँ का कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाइज ये फ्रेश हो गई है, मम्मा को बात करने दो, चल गई। तो एकता कपूर अकेडमी में ऐसा था कि डॉक्यूमेंट्री, मतलब विथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये चीज़ थी कि वो लोग बालाजी टी सीरीज और उनका प्लस जो 200 कंपनी के साथ टाई अप है उसमें बहुत जल्दी वो अपने एक्टिंग क्लासेस में जो बच्चे हैं सभी बच्चों को बहुत जल्दी जो लॉन्च करते हैं टेलीविजन पे, मतलब ऑफर्स जो है सबसे पहले इन्हीं की अकेडमीज में आते हैं, और नहीं तो इनके पास खुद के पास इतने ऑप्शन है कि ये लोग सेटअप करते ही हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी क्योंकि अब हम अल्तमाश को एक साल में जो है टेलीविज़न पे लॉन्च करना चाहते हैं और अब हम लेट नहीं करना चाहते। कोरोना टाइम के वक्त तो ऐसा हुआ कि वो टाइम चला गया 2 साल, फिर हुरैन हो गई, हुरैन छोटी थी, फिर लकी के प्रोजेक्ट चल रहे थे, फिर लकी का प्रोजेक्ट डन हुआ, अब लकी का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अब अगेन लकी और भी टोलों में जो है हाथ डाल रहे हैं, तो लकी अब उन सब चीज़ों में बिजी है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ अब बच्चों को लेकर बिजी होना है। मैं चाहती हूँ अल्तमाश जल्दी से टेलीविज़न पर लॉन्च हो जाए और
उसके बाद फिर मेरा हुरैन अब जाएगा स्कूल, हुरैन पे कॉन्सेंट्रेट। इवन मैं अपना भी कुछ कर रही हूँ अभी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ यार, व्लॉग्स मेरे डेली नहीं आ रहे, क्योंकि व्लॉग मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं लाइफ टाइम व्लॉग पे नहीं हूँ, मेरे प्लान्स काफ़ी अलग हैं। तो जो भी है मैं डिटेल्स आपको देती रहूँगी और अपने फ्रेंड्स को नाराज़ नहीं करूँगी जो मुझे इतना प्यार करते हैं, तो बस यही एक रीज़न था। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, पता नहीं व्लॉग कितना बड़ा हो गया है क्योंकि कल मॉर्निंग से चल रहा है, और मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे न्यू व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप नेगेटिव इसमें रहते हो, नेगेटिव 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 सब कुछ, तो लाइफ ऐसी लगती है बस एक ही ज़िंदगी मिली है यार, इसको जियो, खुश रहो। तो चलिए अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।